दतिया में प्रशासन ने प्रतिष्ठानों और दूध विक्रेताओं की दुकान पर छापामार कार्रवाई की। कलेक्टर के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में अधिकारियों द्वारा जुर्माना भी लगाया गया। गौरतलब है कि प्लास्टिक पॉलिथिन पर बैन लगा दिया गया है, फिर भी कई लोग इसे उपयोग में ले रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने उन दुकानदारों के यहाँ कार्रवाई की है जो पॉलिथिन का उपयोग कर रहे हैं। नहीं, पॉलिथीन को लेके जो कार्रवाई है ये एक्चुअली में लगातार मुनादी कराई जा रही थी नगर पालिका के द्वारा। पॉलिथीन का उपयोग नहीं करें और डस्टबिन का प्रॉपर अपने दुकान के सामने रखें और उपयोग करें। किंतु देखने में ये आ रहा था लंबे समय से कि लोग उस मुनादी का लोगों पे असर नहीं हो रहा था, तो कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि इन्हीं पर थोड़ा प्रभावी कार्रवाई की जाए। और उसी के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के लिए CMO साहब द्वारा एक टीम का गठन किया गया और आज हमने पुलिस प्रशासन और नगर पालिका के प्रशासन की मदद से पॉलीथीन मुक्त अभियान चलाने के लिए दुकानदारों को समझाइश दी गई और जिन्होंने नहीं माना तो जुर्माना भी अधिरोपित किया गया। कितने लोगों को जुर्माना किया गया सर? अभी तो प्रारंभिक रूप से करा गया, कभी 10 से अधिक दुकानदारों के जो दूध डेयरी का काम करे तो पॉलीथीन का उपयोग कर रहे थे उनके जुर्माना। कितने कितने का जुर्माना किया गया? 200 से 500 रुपये। आगे ये कार्रवाई चालू है? ये कार्रवाई तो नगर पालिका द्वारा लगातार कलेक्टर महोदय के निर्देशन में चलती रहेगी। व्यापारियों को हिदायत भी दी गई है कि अब कोई इसका उपयोग नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, दतिया।